कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन, 2.0 कुंगारुओं की पिटाई एक बार फिर से। दोस्तों ये बात तो पक्की थी कि कुंगारू फिर से पटेंगे। जब कंगारू आए नहीं थे हम तब से ही बोल रहे थे कि कंगारुओं की ऐसी पिटाई होगी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका अपनी पिटाई भूल जाएंगे। अभी इस मैच को देख के, 2.0 को देख के भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले घर में बैठ के दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कम से कम भाई हमारी इज्जत बच गई, कुंगारू हमसे ज्यादा पिट गए। ये भी इनको भी यकीन नहीं आ रहा कि आज हुआ तो हुआ क्या है, कि ये भी परेशान शोक से हुए क्योंकि हर किसी ने सोचा था कि इंडिया फेवरेट है, इंडिया जीत जाएगा। हम दोनों ने नहीं सोचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, पहले सेशन के अंदर आके ये हाल ऑस्ट्रेलिया का होगा, जडेजा उनके साथ ये करेगा कि मतलब कि जो हम सोच रहे थे चौथे पांचवें दिन पे टेस्ट मैच जाएगा वो तीन दिन भी पूरे नहीं। अब्दुल्ला भाई ये हुआ तो हुआ क्या है? और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर ली, अब कोई चांस नहीं है कि ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत पाए। चार मैच की सीरीज में पहले दोनों मैच इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं। इस मैच में पहले दो दिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा मुकाबला किया, आई बॉल टू आई बॉल जरा मजा आया देखने में, लेकिन फिर आज इंडिया को एहसास हुआ यार ये तो वही टीम है जिसको हमने पिछले मैच में एक इनिंग्स और 132 रन से हराया है, तो ऐसा कैसे कि हम बिल्कुल मतलब बराबरी का मुकाबला खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कल रात को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ जी हमारे हाथ में बाजी आ गई। शायद उसके चलते ऑस्ट्रेलिया को यह नहीं पता था कि अगली सुबह होगी, जिस तरह दुनिया का असूल है चाहे रात जितनी भी अंधेरी हो सुबह होती है, सूरज उगता है। बाय गॉड, और आप सबको मालूम है इंडिया को इस मैच में खड़ा किया अक्षर पटेल ने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने दमदार खेल दिखाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेकेंड टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के एक ही सेशन में 9 विकेट गिरा दिए और भारत ने उसको सेकेंड सेशन में चेज भी कर लिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया डे टू में ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि उनके पास 60 रन की लीड है, पर भारत ने बता दिया कि भारत को भारत में आकर हराना बहुत ही मुश्किल बात है, जहां पर रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन ने एक ही सेशन में पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के पास इन दोनों बॉलर्स का कोई भी जवाब नहीं था, सभी प्लेयर्स अजीबोगरीब शॉट्स खेलकर आउट हो गए। वहीं पर अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपने ही टीम के पीछे पड़ गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई और वो पूरे तरह भारत के सामने सरेंडर हो गए, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर भारत की वाहवाही कर रहा है कि जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया उस तरीके से तो पाकिस्तानी मीडिया ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि डे टू में पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, पर डे थ्री आते आते भारत ने आधे ही सेशन में पूरे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी कर लिया और मैच अपने नाम भी कर दी। इससे पाकिस्तानी मीडिया अपने ही टीम को कह रहा है कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखना होगा कि कैसे मैच में वापसी की जाती है। तो क्या पाकिस्तानी टीम भारत से कभी कुछ सीख पाएगी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इतनी जल्दी आउट हो गए, ये तो लग रहा था जैसे लल्लू पंजू टीम, मोहल्ले की टीम, जो गली क्रिकेट की टीम आई भी है खेलने, उनसे खेला ही नहीं जा रहा है, इतनी जल्दी क्लब क्रिकेट भी अच्छी खेलती होगी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं समझ कम से कम सोच रहा था चलो 250 तो कराएंगे करेंगे ना यार, 250 करते तो जीत भी जाते, मैं सोच रहा कम से कम 250 तो करेंगे, फाइटिंग तो होगा, जरा मजा आएगा मैच देने का, कम से कम चौथे दिन तक मैच जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी खत्म हो गया। फिर इंडिया ने भी बड़ी जल्दी खत्म कर दिया मैच, लेकिन मैं यकीन करें 61 पे कल वन कितनी परफेक्ट सिचुएशन थी, आज इसने जिसको कहते हैं तकरीबन 59 रन हुए। जडेजा को क्रेडिट देना चाहिए, 7 विकेटें ली हैं उसने और पूरे मैच में 10 विकेटें ली हैं, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं ये बल्लेबाजी भी करते हैं, ये जिसको कहते हैं ये आके अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। जडेजा को कल जिसको कहते हैं मार रहा था लबुशन, लेकिन आज आप देखें कि उसने किस किस्म की बॉलिंग की है, पल्ले नहीं पड़ने दिया।
रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, तुमसे स्वीप खेली नहीं जा रही, तुम रिवर्स स्वीप खेल के आउट होके जा रहे हो। अश्विन ने इनको पकड़ा हुआ है, अश्विन जिसको कहते हैं उसको पता है उसको कैसे बोल करके इसको आउट करना, वो कर देता है उसको ऐसे आउट, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको कैसा बुरा हाल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ऐसी बहुत जाहिर सी बात है, बनता भी है यार, देखो हारना तो हारो लेकिन कम से कम नजर तो आए ना, फाइट तो हो रही है, कुछ मजा तो आए देखने का भी, मजा ही नहीं आ रहा है यार। ना एक दिन उस इंडिया ने जानबूझ के मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को आसमान पे पहुंचाया पिछले कल के दिन के अंदर, ऐसी उम्मीद मेरे ख्याल में खास उन्होंने स्कोर नहीं किया इस मैच में। पहले दो दिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा मुकाबला किया, आई बॉल टू आई बॉल जरा मजा आया देखने में, लेकिन फिर आज इंडिया को एहसास हुआ यार ये तो वही टीम है जिसको हमने पिछले मैच में एक इनिंग्स और 132 रन से हराया है, तो ऐसा कैसे कि हम बिल्कुल मतलब बराबरी का मुकाबला खेल रहे हैं। तो आज एक ही पहले सेशन में जो मेक और ब्रेक सेशन होना था, और आपसे बोला था कि देखते हैं किस तरफ ये पलड़ा भारी होगा, और इंडिया के बॉलर्स जडेजा और अश्विन दे वर टू गुड, उन्होंने पहले सेशन में ही इस जीत की जो बुनियाद है वो रख दी थी। बाकी 6 विकेटों से इंडिया ने यह मैच जीता है, और एक भाई की ख्वाहिश थी पुजारा अपने 100वें मैच में मैच फिनिश करके वापस आए, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है और इंडिया जीता है, पुजारा नॉट आउट वापस आया जो कि बहुत ही शानदार बात है। और उसके साथ साथ अभी बात कर रहे हैं, वो स्माइल है चेहरे पे, ही वांटेड हिज टीम टू विन और एट द एंड ये 7वें नॉट आउट आया। भरत की भी बात करें, देखें ये बात है, रन्स नहीं आए 2 इनिंग्स में, लेकिन अभी एक अच्छा फैसला था उसको ऊपर भेजा जो कि काबिले तारीफ है, उसने भी आके रन्स कुछ ना कुछ जोड़े, कीपिंग तो अच्छी कर ही रहा था लेकिन मौका भी था, दस्तूर भी था, हाउस भी फुल था, मैच भी जीतने वाले थे, तो उसने भी अच्छे रन्स 22-23 रन जोड़े हैं, उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी बेहतर है। बॉलर्स दे आर द सुपर स्टार्स, उन्होंने इस जीत की बुनियाद रखी है। और फिर देखें इंडिया की बैटिंग बेशक आजकल थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, लेकिन 115 ये खाली फॉर्मेलिटी थी। जिस तरह दुनिया का असूल है, चाहे रात जितनी भी अंधेरी हो, सुबह होती है, सूरज उगता है, फिर वो उजाला क्रिएट करता है, फिर वो समंदर के अंदर डूब जाता है, फिर अंधेरी रात होती है, फिर उजाला होता है। और ऑस्ट्रेलिया की कहानी इतनी सी है कि रात जो उनकी थी वो इतनी अंधेरी थी कि उनको ये नहीं पता था कि जब सुबह सूरज निकलेगा तो शायद वो इंडिया की इस तरह की विक्ट्री का सूरज होगा, जहां इंडिया खड़ा होके बोला था हाँ भाई और कुछ हुक्म हमारे लायक, और कोई खिदमत हमारे लायक, और कोई मेहमान नवाजी हमारे लायक, लेकिन अपने घर के मेहमानों के साथ कोई इस तरह कैसे करता है यार, मतलब इंडिया वाले जरा थोड़ा सा ख्याल कर लो यार। अगर हम इस मैच को पूरा एनालाइज करें तो बाय गॉड, और आप सबको मालूम है इंडिया को इस मैच में खड़ा किया अक्षर पटेल ने, और ऑस्ट्रेलिया को रुखसत किया जडेजा ने, जडेजा ने रुखसत किया, तो ये वन डायमेंशनल ऑलराउंड क्रिकेटर्स गले को आ गए टीम ऑस्ट्रेलिया के। अब मैं पहले तो इजहारे, अभी पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे टेक्निकल, और रोहित शर्मा अगर रन आउट नहीं होते तो 70 पे नॉट आउट होते, विदाउट एक विकेट पे ये रन चेज हो जाते, क्योंकि देखो पुजारा और नॉट आउट ही रहा, ये एक विकेट पे चेंज हो जाते, और वो इस कदर तकलीफ दे बना हुआ था नेथन लाइन के लिए कि बार बार वो अंपायर क्यों कह रहा था कि यार ये क्या करता है, ये बल्ला पीछे करके पैड आगे कर देता है, ये कौन सा शॉट खेल रहा है। अबे उस वो ट्राई एंड टेस्टेड है, वो दिखा चुका है तुम्हें एडिलेड से लेके वहां तक गाबा तक कि किस तरह बल्ला फंसा के रखना है तुम्हारे अंदर, उसने बल्ला तुम्हारे में दिया हुआ था, पैड से बॉल रोका था। मैं चैपिल से महिला जयवर्धने से आज मैं जो है ना इनके बयानात पर जो है वो फूल बरसाऊंगा, मतलब आरती उतारू इनकी, क्या करूं जो इन्होंने कंडीशन देखे बगैर, पिच देखे बगैर, लाइनअप्स देखे बगैर कह दिया 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, करा लो अब 2-1। अबे इनकी आरती छोड़ दो, इनकी आरती उठाएगा कौन अब, ये तो दिल्ली में भी पैक हो गए इनकी। भाई मुझे इनसे मसला है, इन्होंने जब से हम एशियंस की स्किन को टारगेट किया और इनकी मैनेजमेंट या क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम एक्शन लेंगे, वहां एफआईआर दर्ज हुई, लोगों ने कहा हमारे फ्लैग के साथ हमें सपोर्ट करने टीम को आने नहीं दिया, वही 2 साल अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, अभी टीम पेन जाग गया। अबे तुम्हारा क्या वास्ता क्रिकेट से, हाथ साथ ही तुम क्रिकेटर थे, इन्होंने फिर से बदतमीजियां की,